जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों पिछले हफ्ते काफी सारा कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सिनेमा में रिलीज हुआ और अब मेरे पास काफी सारे कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आ रहे हैं, जहां आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ रिलीज होने वाला है और सिनेमा में उन्हें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 14th to 19th November के बीच में जो कोई कंटेंट आपके लिए रिलीज होने वाला है, इसलिए इस लिस्ट को पूरा सुनना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और हाँ, इन सब लिस्ट में से आपको किस मूवी या वेब सीरीज का सबसे ज्यादा वेट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि उससे रिलेटेड और डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। तो आइए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस पूरी सीरीज और मूवीज की लिस्ट में से आपको सबसे ज्यादा किसका इंतजार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि उससे रिलेटेड मैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश करना और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से मुझसे जरूर कनेक्ट कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 14th November की, जहां पर एक क्राइम थ्रिलर रिलीज मेयर ऑफ किंग्सटाउन रिलीज होने वाली है, जो कि एक अपकमिंग पैरामाउंट ओरिजिनल अमेरिकन एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो कि पैरामाउंट प्लस के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में 14th November को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों कामी काजे, ये एक अपकमिंग मैक्स ओरिजिनल डैनिश थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जो कि HBO मैक्स पर इंग्लिश और डैनिश लैंग्वेज में अब 14th November को रिलीज होने वाली है और HBO मैक्स पर वीकली इसके एक एपिसोड को रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कायम कुलम कुचुनी, ये एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज एपिक ड्रामा एक्शन मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है और इसकी लीड में मोहनलाल। और दोस्तों इस मूवी को अब हिंदी डब्ड लैंग्वेज में पहली बार रिश्ते सिनेप्लेक्स टीवी चैनल पर संडे 14th November को रिलीज किया जा रहा है और इसे दोपहर को 1 बजे आप अब रिश्ते सिनेप्लेक्स टीवी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बात करूं 15th November की, तो सबसे बड़ा रिलीज है डोंट ब्रीड 2, जो कि एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को दोस्तों 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और अब ये बुक माय शो के स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, यानी आप बुक माय शो स्ट्रीम पे VOD पे इसे रेंट करके देख सकते हैं और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में आपको 15th November को रिलीज होके देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों येलो जैकेट्स, ये एक अपकमिंग ओरिजिनल अमेरिकन कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है, जो कि शो टाइम के चैनल पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इंडिया में आप इसे वूट सिलेक्ट के चैनल पर देख पाएंगे और वूट सिलेक्ट पर दोस्तों इसे 15th November को रिलीज किया जाएगा और येलो जैकेट का एक एपिसोड आपको हर वीकली देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 15th November को ही रिलीज होने वाली है लाइज एंड डिसीट, और ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही लैंग्वेजेस में 15th November को आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूँ 16th November की, तो रिवरडेल का सीजन 6, जो कि एक अमेरिकन क्राइम मिस्ट्री टीन ड्रामा सीरीज है, इसे CW के चैनल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन 16th November की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि स्पाइडर मैन नो वे होम का सेकेंड ट्रेलर ट्यूजडे 16th November को रिलीज होगा और ये बात अब 99% कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि सोनी ने एक स्पाइडर मैन फैन इवेंट को 16th November को रखा है और क्लियर इंडिकेशन दे दिए हैं कि 16 November को ही इसके सेकेंड ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों स्पाइडरमैन मूवी 17th December को थिएटर्स में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होने वाली है और इसके सेकेंड ट्रेलर को आप 16th November को रिलीज होते हुए देख पाएंगे। बात करूँ 17th November की, तो मार्वल्स हिट मंकी, जो कि एक अपकमिंग हुरू ओरिजिनल अमेरिकन एडल्ट एनिमेटेड साइफाई कॉमेडी सुपर हीरो सीरीज है, इस सीरीज को दोस्तों अब रिलीज किया जा रहा है हुरू के प्लेटफॉर्म पे 17th November को सिर्फ इंग्लिश में, और इंडिया में भी दोस्तों इसे डिस्नी पर रिलीज किया जाना है, डिस्नी हॉटस्टार पर, और इसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों 17th November को इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्रिसमस फ्लो, जो कि एक इंग्लिश मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। इसी के साथ साथ द फेबुलस फिलिपिनो ब्रदर्स, ये भी एक इंग्लिश मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है 17th November को। और दोस्तों टाइगर किंग का सीजन 2, जो कि एक थ्रिलर सीरीज है, इसको दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अब 17th November को रिलीज कर दिया जाएगा।
बात करूं 18th नवंबर की तो मत्स्य कांड सीरीज MX प्लेयर पर रिलीज हो जाएगी, और ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसके अभी तक के जो भी प्रोमोज और ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और मत्स्य कांड को आप 18 नवंबर को MX प्लेयर पर फ्री में देख पाएंगे, लेकिन इसे 17 नवंबर की रात 12 बजे के आसपास ही रिलीज कर दिया जाएगा जैसे ही 18th नवंबर स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों जस्ट शॉर्ट ऑफ परफेक्ट ये एक मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में 18th नवंबर को रिलीज होगी। इसी के साथ साथ डॉग्स इन स्पेस ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पे 18th नवंबर को रिलीज होगी। बात करूं अब 19th नवंबर की तो दोस्तों भर भर के कॉन्टेंट 19th नवंबर को आपको देखने को मिलने वाला है। पहले बात करते हैं धमाका मूवी की जिसका वेट काफ़ी टाइम से हो रहा है, और कार्तिक आर्यन स्टारर मूवी के काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर को ऑलरेडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है। धमाका मूवी आपको 19th नवंबर को अब नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हेल बाउंड सीरीज जो कि एक थ्रिलर सीरीज है, इसे हिंदी इंग्लिश और कोरियन सभी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाना है, और ये कोरियन ड्रामा सीरीज है, इसे अब आप नेटफ्लिक्स पर 19th नवंबर को रिलीज़ होते हुए देख पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों योर ऑनर का सीजन 2 जो कि एक सोनी लिव ओरिजिनल सीरीज है और इसका सीजन 1 दो साल पहले आ चुका है, लीड में आपको देखने को मिलेंगे जिमी शेरगिल, और दोस्तों अब इस सीरीज़ का सीजन 2 जो है 19th नवंबर को रिलीज़ हो जाएगा। और एक बड़ा रिलीज़ है 19th नवंबर का द व्हील ऑफ टाइम जो कि एक अमेजॉन ओरिजिनल पीरियड सीरीज़ है, और दोस्तों इस सीरीज़ के शुरू के 3 एपिसोड्स को रिलीज़ किया जाएगा 19th नवंबर को, और फिर वीकली एक एक एपिसोड को रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों इसका अगर आपने अभी तक ट्रेलर देखा है तो आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करे होंगे इस सीरीज़ के रिलीज़ होने का। इसके अलावा दोस्तों जेम्प्लेक्स के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसका नाम है चौसर फिरंगी, और इसे हिंदी लैंग्वेज में जेम्प्लेक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा। टिक टिक बूम मूवी ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको एंड्रू गारफील्ड के लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा 19th नवंबर को। इसके साथ साथ दोस्तों किंग रिचर्ड फिल्म इसे HBO मैक्स पर इंग्लिश में रिलीज़ किया जाएगा जिसके लीड में विल स्मिथ। काउबॉय बिबॉप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी 19th नवंबर को। प्रोसेशन ये एक डॉक्यू सीरीज़ है जो इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी 19th नवंबर को। बात करूँ डिस्नी हॉटस्टार की तो कैश मूवी जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी अभी तक ट्रेलर से लग रही है, इस मूवी को दोस्तों डिस्नी हॉटस्टार पर 19th नवंबर को रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ अद्भुतम जो कि एक तेलुगु फिल्म है इसे भी आप डिस्नी हॉटस्टार पर 19th नवंबर को देख सकते हैं। दोस्तों बात करूं अगर मंदार की तो ये एक अपकमिंग हॉय चॉय ओरिजिनल इंडियन थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है जो अब हॉय चॉय के चैनल पर सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में 19th नवंबर को रिलीज़ होगी, और उसके 3 हफ्ते बाद आपको इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी मोस्ट प्रॉबेबली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 19th नवंबर को सिनेमा में भी काफ़ी कुछ रिलीज़ हो रहा है, जहाँ सबसे पहले बात करते हैं बंटी एंड बबली 2 की जो आपको अब 19th नवंबर को सिनेमाज में देखने को मिलेगी, और आपको सैफ अली खान और रानी मुखर्जी दोनों ही एक नए अवतार में इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 19th नवंबर को एक पंजाबी मूवी वार्निंग भी रिलीज़ हो रही है। वार्निंग पहले एक सीरीज़ थी जिसके 2 एपिसोड्स को यूट्यूब पे फ्री में स्ट्रीम किया गया था, लेकिन जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया तो फाइनली गिप्पी गरेवाल ने फैसला किया कि इस मूवी को जो है मूवी बनाकर अब थिएटर्स में रिलीज़ किया जाए। तो वार्निंग मूवी अब पंजाबी मूवी आपको सिनेमाज में 19th नवंबर को देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों घोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ ये एक हॉरर मूवी है जो कि सिनेमा में डायरेक्ट रिलीज होने वाली है 19th नवंबर को। इसके साथ साथ ये मर्द में चारे एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो 19th नवंबर को सिनेमाज में रिलीज होगी। और दोस्तों इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस ये एक अपकमिंग अमेरिकन कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी लीड में आपको मनीषा कोइराला आदिल हुसैन जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, और ये सिर्फ US के सिनेमाज में इंडियन स्वीट्स एंड स्पाइस आपको 19th नवंबर को रिलीज होकर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट जो आपको इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है OTT और सिनेमा में। इसमें कोई और एडिशंस होते हैं तो मैं अपने कम्युनिटी पेज पर डाल दूंगा, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।